सवाल, वो क्या है जिसे आराम करार दिया गया है लेकिन हमें उसे पीने का हुक्म भी दिया जाता है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा और उसके बाद मैं आपको जवाब दिखा दूंगा। जवाब है हमारे पास गुस्सा। सवाल नंबर 2, वसीम और नदीम एक तालाब में मछली का शिकार खेलने के लिए गए। शाम को जब घर वापस आ रहे थे तो उनका दोस्त ताहिर रास्ते में मिला। उसने पूछा, भाई कहो आज शिकार कैसा रहा? उसने जवाब दिया, आज तो हमने दोनों ने जितने मछलियां पकड़ी थी इतने तालाब में छोड़ दिए और जितने नहीं पकड़े थे इतने ले जा रहे। ताहिर जवाब समझता ही रह गया। आप बताए इसका जवाब क्या है। सवाल है, तालाब में कोई मछली ना थी। ये सवाल बड़ा लॉजिक है। क्या आप बता सकते हो कि अगर किसी शहर में बर्फ गिर रहा है तो ज्यादा तेजी से पिघलेगी, या अगर किसी देहाती इलाकों में जब बर्फ गिरता है तो ज्यादा तेजी से पिघलेगी, या दोनों जगह पर बराबर पिघलेगी? वजह बताएं इसका जवाब क्या होगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का ऑप्शन है, उसके बाद हम आपको जवाब दिखा देंगे। जवाब ये है कि शहर में गिरी हुई बर्फ या देहाती इलाकों में गिरी हुई बर्फ के मुकाबले तेजी से पिघलेगी। इसकी वजह यह है दोस्तों कि शहर का धुआं, गर्द गुबार, गर्मी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इस बर्फ जम जाता है। धुआं और गर्द गुबार वगैरह में हरारत जज़्ब करने की सलाह पाई जाती है, इसीलिए शहर में बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगती है। लेकिन दाँत की साफ और शफाफ